जयपुर से अगली खबर हम ले लेते हैं, जहां पर आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक औपचारिक तौर पर 15 तारीख से शुरू होगी, लेकिन आज कार्यकारिणी की एक अहम बैठक होनी है जिसमें आरएसएस आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर विचार करेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर के जामडोली में संघ के स्वयंसेवक तैयार हैं। यहां देशभर के आरएसएस नेता और स्वयंसेवक जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी जयपुर पहुंच गए हैं। प्रतिनिधि सभा से पहले अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें प्रांतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह आरएसएस नेताओं से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन पर सलाह मशवरा करेंगे। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों पर माथापच्ची शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस पर आखिरी मुहर जयपुर में लगने की संभावना है। प्रतिनिधि सभा की बैठक शुक्रवार को शुरू होगी और 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक में जहां पिछले साल का लेखा जोखा रखा जाएगा, वहीं भविष्य के एजेंडे पर चर्चा होगी। जो काम हुआ है उसका पूरा विश्लेषण और अगले साल में संघ का कार्य कैसे आगे बढ़ाना है, उसके सारा विचार 15-16-17 तारीख को जो यह प्रतिनिधि सभा की बैठक रहने वाली है उसमें होता है। और उसके पहले की प्रारंभिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आप देखते हैं प्रतिनिधि सभा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोग प्रतिनिधि पहुंचना शुरू हो चुके हैं जयपुर में। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की सबसे बड़ी बैठक होती है। वैसे ये बैठक हर तीसरे साल नागपुर में आयोजित की जाती है। इस बैठक में आरएसएस के करीब 1350 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये प्रतिनिधि संघ का सालाना एजेंडा तय करेंगे। चिंतन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि संघ इस बार राम मंदिर और राम सेतु के मुद्दे पर रणनीति तैयार कर सकता है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संघ बीजेपी को लेकर क्या तय करेगा, क्योंकि साल चुनावी है तो संघ की चाल भी चुनावी ही होगी। आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और संघ की ये सक्रियता दूसरे संगठनों पर कितना प्रभाव डालेगी, हिंदू जनाधार वोट बैंक को कितना सक्रिय करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तय है कि एक साल की समीक्षा और दूसरे आने वाले साल की जो प्लानिंग है वो आज इस बैठक के अंदर शुरू हो गई है और 3 दिन चलने वाली सभा में उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मनोज माथुर, इंडिया न्यूज, जयपुर। देखना यही होगा 3 दिन तक चलने वाली सभा से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएसएस के प्रचारक दिलीप देवधर। दिलीप जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ा सवाल यही उठता है, वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो आप लोगों के एजेंडे में शामिल होंगे? हेलो, मैं आरएसएस का प्रचारक नहीं हूँ, मैं आरएसएस का विश्लेषक हूँ। माफी के साथ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो साल भर में जो एक्टिविटी हुई उसके बारे में रिपोर्टिंग, बाद में फ्यूचर प्लानिंग और अलग अलग विषयों पर कैडर को मार्गदर्शन करने के लिए रिजोल्यूशन, इस टाइप की एक्टिविटी होती है। और संघ परिवार में जितनी मासेस और क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके केंद्रीय अधिकारी या प्रतिनिधि मंडल के साथ में 7 दिन में अलग अलग बैठक होके काफी विचार मंथन यह प्रतिनिधि सभा में और बात के 7 दिन में होता है। जी, महाकुंभ माना जाता है इस तरह की बैठक को आरएसएस का। जरा ये भी बताइए, राजनाथ सिंह भी वहां पर आज पहुंचे हुए हैं और आरएसएस के कई बड़ी नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है, उस बैठक में क्या मुद्दा छाया रह सकता है? एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि संघ परिवार में मदर ऑर्गेनाइजेशन का रोल आरएसएस का होता है और जितनी मास और क्लास ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके प्रमुख भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। तो जैसे भाजपा की भी काफी प्रतिनिधि सदस्य इस नाते प्रतिनिधि करके आए होंगे, आएंगे जी। और टोटल संघ परिवार का एक समाज के प्रति दृष्टिकोण, प्लानिंग, विजन, समाज के सामने आह्वान, राष्ट्र के सामने आह्वान, यानी शॉर्ट असेसमेंट होता है। यानी भारत के सामने आज स्ट्रेंथ क्या है, भारत की वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, इसके बारे में काफी सकोल, प्रदीर्घ और मुक्त चिंतन होता है और बैठक में एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं। दिलीप जी, सामाजिक सरोकारों के साथ बीजेपी के राजनीतिक हित को साधा जाए, इसके लिए किस तरह की रणनीति बन सकती है? एक तो सबको पता है कि 2014 यह इलेक्शन का साल है और यह क्रूशियल पॉइंट है। तो आने वाले साल भर में
जी। संघ परिवार का यूनिटी इंडेक्स 100% करना जी। और संघ स्वयंसेवक रोज प्रार्थना में समर्थ समृद्ध भारत की आशा आकांक्षा व्यक्त करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में जब पूरा परिवार साथ में आता है तो समर्थ समृद्ध भारत निर्मिति की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है, विद्यार्थी संगठन के पास क्या है, ट्रेड यूनियन के पास क्या है, धार्मिक संगठन के साथ क्या है जी। ये हिसाब से विश्लेषण चिंतन और योजना होगी। चलिए बहुत शुक्रिया दिलीप देवधर जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। देखना यही होगा कि इस मंथन में, इस चिंतन बैठक में और जो महाकुंभ लग रहा है आरएसएस का, उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। आगे